नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार फिर से ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे हमारा खास प्रोग्राम हल्का हलचल। इस प्रोग्राम में हम आपको हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज आपके हल्के में। तो इसी के तहत हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा पलवल से और जगदीश प्रजापति कालावाली से। प्रवीण आपके पास आएंगे, पलवल में आज क्या कुछ खास होने वाला है? अनाया, सबसे पहले बता देते हैं कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन जो कि तमाम तैयारियां जिसे कहते हैं कि पूरी कर ली गई है, क्योंकि ठीक से आज 24 तारीख है और 2 दिन बकाया रह गया 26 जनवरी का उत्सव मनाने के लिए, जिसको लेकर प्रशासन जो भी कार्रवाई थी वो चारों तरफ से सभी प्रशासन के जितने भी विभाग मिलकर तैयारी को पूरी करने में लगे हुए थे। क्योंकि 26 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्री हैं जो संदीप सिंह, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद उनके द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से चल रही थी उसको पूरी कर ली गई है। और उसी के चलते हुए जिला प्रशासन की आज फाइनल रिहर्सल भी होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई कमी ना रहे, या उसी को लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही है। क्योंकि पिछले कई दिन से जो तैयारियां चल रही थी अब वो समय भी आ गया, उसको लेकर तमाम असली जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है, तो उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। आज फाइनल रिहर्सल होगी, जिले के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे ताकि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे, तो उसको लेकर आज फाइनल रिहर्सल का भी आयोजन किया जाएगा। वही बात कर लेते हैं, अयोध्या से लौटे जो श्री राम जी के परम भक्त श्रद्धालु हुआ उनका कहना है कि ऐसा भव्य अलौकिक जो दृश्य था वो उन्होंने आकर अपने इतिहास में नहीं देखा, कि उनकी यह पहली पीढ़ी है जो 500 वर्षों के बाद ऐसे दृश्य को देखने के लिए जो ललाये थे वो मौके पर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम जब लौटे हैं तो वहां पर रोजाना लाखों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है और वहां पर व्यवस्था बनाने में पुलिस भी कम पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा श्री राम जी के भक्त अनन्य भक्त है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, और तमाम जो भी श्रद्धालु अगर साधु संत महात्मा यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि वह एक बार तो गए हैं दर्शन करने के लिए, दोबारा फिर जाएंगे। यहाँ से बताया जा रहा है कि फिर से एक बार सामाजिक संगठन तमाम लोग जो श्री राम जी के भक्त है वो फिर से तैयारी कर रहे हैं अयोध्या जाने को, कहना है कि बार बार ऐसा अवसर हमें मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि ये सुनहरा अवसर ऐसा सुनहरा पल फिर नहीं मिलता, क्योंकि उसको लेकर तमाम श्रद्धालुओं की एक जो वहां से लौटने पर जो आप भी थी बताया ऐसा अलौकिक दृश्य उन्होंने आज तक नहीं देखा। जी आया, मौसम का क्या मिजाज है पलवल में प्रवीण? अनाय, बात कर लेते हैं मौसम को लेकर, इस समय 60 डिग्री टेम्परेचर है जो कि बेहद कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है, जो लोग जो दो पहिया वाहन चलाने वाले उनको तो खास करके दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप अपने वाहन को धीमी गति से चलाकर रखे, टर्न इंडिकेटर चलाकर रखे और रिफ्लेक्टर जो है वो भी लगवा कर रखे, साथ ही जो डिपर लाइट है उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रशासन का भी सहयोग करना होगा और अपनी जान को खुद बचाने के लिए खुद को भी पहल करनी होगी। तो तमाम इस तरह की जानकारी एडवाइजरी भी दी जा रही है और साथ ही साथ जिला पुलिस जो 26 जनवरी को लेकर तमाम स्थानों पर जो स्पिनर जो डॉग है उसको लेकर जो है वो जांच भी कर रही है और वहां मौके पर लोगों को दोनों चीज एक साथ अवगत करा रही है कि आसपास का संदिग्ध अवस्था हो तो वो भी पुलिस को 112 पर डायल करके बताए और सब इसको लेकर वो बताएंगे और वाहनों को लेकर भी पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है। जी जी इसी साथ जगदीश आपके पास आएंगे, क्या कुछ खास खबर होने वाला है आज कालावाली में? सबसे पहले बात करें तो सिरसा जिला के लिए आज का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री बीसी के माध्यम से 66 करोड़ रुपए की लोकार्पण या शिलान्यास करते नजर आएंगे। उनकी ओर से जो जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 33 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जो बिजली निगम की लागत को दिया जाएगा, वहीं मार्केटिंग बोर्ड की बात करें तो 24 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 8 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं लगभग बात की जाए तो निर्मित 11 जो अमृत सरोवर है उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की ओर से 6 करोड़ 40 लाख रुपए की उद्घाटन की परियोजनाएं जो लगातार गोदाम गंगा गोरीवाला और निर्मित 33 केवी स्टेशन पर किए जाएंगे। वही 4 करोड़ 66 लाख रुपए 47,000 की लागत से हुक्का सेक्टर में निर्मित की जाएगी। इस प्रकार से अन्य जो नहरें हैं सड़कें हैं उनके शिलान्यास करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं खासकर सिरसा जिला को एक बड़ी सौगात है जो आज मिलने वाली है। भाई अगर बात की जाए सबसे बड़ी समस्या की, कालावाली में आज एक जो है कालावाली के लोगों की एक बैठक बुलाई गई है। कालावाली बिजली निगम की ओर से आए दिन लगातार लंबे कट लग रहे हैं, आज भी रात को देखने को मिला था कि देर रात्रि से कट लगा हुआ अभी तक
नेट नहीं है। इस बात को लेकर बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बिजली मंत्री से लोग मिल चुके हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी जानबूझकर लोगों को परेशान कर देते हैं, कहीं ना कहीं कट का बहाना लगा देते हैं, 33 केवी का बहाना लगा देते हैं। अधिकारी कर्मचारी कालावाली में रहते नहीं, जो सिरसा जाकर चले जाते हैं, तो जब फॉल्ट आता है तो फॉल्ट निकालने के लिए कोई आता नहीं, तो पीछे से फॉल्ट बोलकर अपने मोबाइल से स्विच ऑफ कर देते हैं या फोन नहीं उठाते। इसको लेकर लोगों में काफी रोष है और लोग आज एकत्रित होंगे। हो सकता है कि लगातार लंबा धरना प्रदर्शन भी उनके खिलाफ चले, क्योंकि लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वही एक बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर, तो सभी पार्टियों की ओर से कमेंट तक मिल गई है। देखने को मिल रहा है कि हाल ही में कांग्रेस के विधायक है जो शिवपाल खेरवाला, वह भी लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, और जो लोग उनसे रुकते हैं उनको मनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व विधायक है सरदार बड़कौर सिंह भी लोगों को मनाने का काम करते नजर आ रहे हैं। जो छोटे छोटे विकास कार्य हुए हैं उनके भी शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं, और लोगों की समस्याएं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने वोटर्स की नब्ज कटवाने का काम भी उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राजेंद्र सिंह जैसा कविता नगर और सरोज मानव भी लगातार की वजह से जल्द से दो लाइन में आप बता दीजिए मौसम का मिजाज क्या है और क्या कुछ सामना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को तन मौसम की वजह से। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो मौसम में घना कोहरा छाया हुआ है, टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री है, घना कोहरा इतना छाया हुआ है कि विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि 2 से 3 मीटर तक कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं जो शीत लहर चल रही है उससे ठठुरियन लोगों में बनी हुई है, लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। जी नाया जी, बहुत धन्यवाद जगदीश आपका और प्रवीण आपका हमें कालावाली और परवल से सारी जानकारी और अपडेट्स देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेटेड रखने के लिए। सर्दी का मौसम छाया हुआ है, बढ़ते कोहरे की वजह से आप सभी को भी हम अपील करेंगे कि आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। इसी साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। नमस्कार।